एयरपोर्ट से बता रहे हैं जहां सीएम भूपेश बघेल पहुंचे हैं महादेव घाट कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित उन्नी मेले में उन्होंने शिरकत की। सीएम ने महादेव घाट पर डुबकी भी लगाई, मुख्यमंत्री ने दीप दान किया, भगवान शंकर की पूजा अर्चना की, बाबा हटकेश्वर नाथ की सीएम ने पूजा अर्चना की। बड़ी संख्या में लोग महादेव घाट में मौजूद हैं। सीएम ने महादेव घाट पर आस्था की डुबकी लगाई, मुख्यमंत्री ने दीप दान किया, भगवान शंकर की पूजा अर्चना की और बाबा हटकेश्वर नाथ का सीएम ने पूजन अर्चन किया और दीप दान कर सीएम भूपेश बघेल बोले, जैसे सावन में भगवान शंकर की पूरे महीने भर पूजा अर्चना की जाती है, उसी प्रकार से कार्तिक में भी नदी और तालाब में स्नान करके सूर्यदेव से पूर्व पूजा अर्चना की जाती है। सूर्य उदय से पहले पूर्व ये पूजा अर्चना की जाती है और इसका महत्व अलग ही है। आज ही के दिन से हमारे छत्तीसगढ़ में मेलों की शुरुआत होती है। और ज्यादा जानकारी के साथ हेमंत शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। हेमंत, सुबह 5 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल महादेव घाट पहुंचे, किस तरीके का नजारा देखने को मिला और उन्होंने वहां पर क्या क्या किया? देखिए, पूरे छत्तीसगढ़ में जो कार्तिक पूर्णिमा का पर्व है वो बड़े ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। इसी कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित मेले में शिरकत करने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सुबह 5 बजे पहुंचे थे। उनके साथ विधायक विकास उपाध्याय, महापौर चार टेबल सहित कई अन्य जो नेता थे वो मौजूद थे। इस दौरान सीएम ने वहां पर घाट पर आस्था की डुबकी लगाई और एक बार फिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पानी में कलाबाजी करते नजर आए और उन्होंने दीपदान कर जो काफी प्राचीन मंदिर है बाबा हटकेश्वर नाथ का, उनका दर्शन कर उनकी पूजा अर्चना उन्होंने की है। और उन्होंने कहा है कि आज के दिन छत्तीसगढ़ में मेलों की शुरुआत होती है और महादेव घाट जो सबसे प्रसिद्ध है राजधानी रायपुर का, वहां पर हर साल पुन्नी के अवसर पर 2 दिवसीय मेला लगता है। तो ये तमाम जो चीजें हैं वो वहाँ पर आज सुबह हुई है। इसके साथ ही महादेव घाट में सुबह 5 बजे के आसपास हजारों की संख्या में लोगों ने डुबकी वहाँ पर लगाई है, क्योंकि आज सुबह स्नान करने से काफी जो मान्यता है वो यहाँ पर मानी जाती है, इसलिए बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वहाँ पर डुबकी लगाई है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए हेमंत। देव दिवाली के मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय